हेलो फ्रेंड्स, भाई का वर्क यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, भाई का कमेंट आता है, हम जब वेल्डिंग करने जाते हैं भाई वेल्डिंग रॉड बार बार चिपक जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम तीन ऐसा रीज़न बताएंगे जिसके कारण से हमारा रॉड बार बार चिपकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वेल्डिंग रॉड क्यों चिपकता है? नंबर वन फ्रेंड्स, आप किसी भी वेल्डिंग रॉड जला रहे हो उससे पहले आपको वोल्टेज के बारे में आपको जानना चाहिए। एक है 8 नंबर वेल्डिंग रॉड, एक है 10 नंबर वेल्डिंग रॉड और एक है 12 नंबर वेल्डिंग रॉड। तीनों वेल्डिंग रॉड 6013 का होता है। आप कोई भी वेल्डिंग रॉड यूज़ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, वेल्डिंग रॉड का पैकेट जो होता है पैकेट के ऊपर ही दिया रहता है जो कितना नंबर वेल्डिंग रॉड कितना वोल्टेज पे आप जला सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लेना। कि दूसरा जो बात, आप जब वेल्डिंग मार रहे हो ऐसे आपको हाथ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप डायरेक्ट आके लगा दोगे तो आपका ऐसा चिपक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, डायरेक्ट लगा दिया तो ऐसे चिपक जाएगा। आपको थोड़ा क्या करना है फ्रेंड्स, आप जब वेल्डिंग मार रहे हो ना आपको हल्का गैप रखना है, ठीक है। गैप करके आपको हल्का करके टच करना है। ये देखिए, टच किया तो हल्का करके टच किया तो जितना बार करूँगा उतना बार ही जलेगा, ठीक है। ये देखिए, एक बार में जलेगा, ठीक है। और आप अगर डायरेक्ट से हाथ लगा दोगे तो आपका रॉड ऐसे चिपक जाएगा। देखिए अर्थिंग के साथ कैसे चिपक गया। तो आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। जो दूसरा बात है, आपको हल्का करके गैप करके आपको वेल्डिंग रॉड फर्स्ट फायर करना है। और तीसरा जो बात है फ्रेंड्स, आप जब फर्स्ट टाइम वेल्डिंग मारते हो ना तो उस टाइम आपका ये जो सामने का बारूद है, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अगर आपका सामने का बारूद ऐसे टूटा रहेगा ना, इसको जितना बार मैं लगाऊंगा, अगर इसको जला के फेंक नहीं दूंगा तो जितना बार टच करूंगा अर्थिंग के साथ उतना बार आपको सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, उतना बार ही आपका रॉड वेल्डिंग रॉड चिपक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया फ्रेंड्स, तीन जो कारण बताया फ्रेंड्स, आप फॉलो करके चलोगे तो आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा।